हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बटन के बाजू में एक घंटी दिखेगी, उसे भी दबा देना, नहीं तो हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको नहीं दिखेंगे और ये एकदम फ्री हैं। आजकल के जवानों में शारीरिक कमजोरी बहुत तेजी से बढ़ रही है और कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा दुबले पतले होते हैं और वह अपना वजन बढ़ाने के उपाय करते रहते हैं और कई तरह की दवाइयां लेते भी रहते हैं, फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता है। लेकिन आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वजन बढ़ाना हो या वजन घटाना हो, दोनों के लिए आमतौर पर एक ही तरह के काम को अपनी डेली लाइफ में शामिल किया जाता है। वजन बढ़ाना हो या घटाना हो, दोनों के लिए रेगुलर शारीरिक व्यायाम यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत होती है। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्तिक हेल्थ केयर में। कुछ लोगों के मन में यह बात बसी हुई है कि यदि वे भी आलू या दूसरे फैटी खाने या फिर तला हुआ भोजन लेंगे तो उनका वजन बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और दिन भर आराम करने से उनका वजन तेजी से बढ़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करने से वजन बढ़ता तो है, लेकिन शरीर में कई प्रकार के विकार जैसे मोटापा, पेट से जुड़ी समस्याएं और वसा युक्त यानी कि फैटी खाना खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ती है और भी कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। आजकल के यंगस्टर्स में अपनी बॉडी को लेकर काफी कंपटीशन बढ़ रहा है, खासकर कि यह टीनएजर्स में ज्यादा देखा जाता है, जो कि अपने आप को औरों से कंपेयर करने लगते हैं, जिससे मानसिक तनाव यानी कि मेंटल स्ट्रेस भी पैदा होता है। लेकिन आप लोगों को यह बात ध्यान रखना होगी कि वजन कम करना हो या फिर बढ़ाना हो, दोनों ही कंडीशन में आपको अपने शरीर को हेल्दी रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि हेल्दी माइंड्स लिव इन हेल्दी बॉडी, यानी कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। आजकल ऐसी बीमारियां आ गई हैं जो आपकी बॉडी की ग्रोथ को रोकती हैं और आपकी बॉडी में बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी रोकती हैं, और इस तरह की बीमारियां होने के कई सारे कारण हैं, जैसे अपने खान पान पर ध्यान न देना, नींद कम लेना और किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज ना करना, यानी कि कोई भी व्यायाम या योग ना करने से भी ये बीमारी होती है। लेकिन हमारे पास वजन बढ़ाने के उपाय हैं, जिनकी मदद से आप 10-12 दिनों में ही अपने वजन को बढ़ाने के साथ साथ अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं। साथ ही यदि आप अपना या अपने चाहने वालों का वेट, हाइट और एज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, तो हम बता सकते हैं कि उन्हें अपना वजन बढ़ाना है या घटाना है, या फिर ना बढ़ाना है ना घटाना है। वजन बढ़ाने के बहुत ही आसान उपाय हैं, जिनकी मदद से आप खुद को एक खूबसूरत और भरपूर शरीर का मालिक बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एक एक करके उन उपायों को देखते हैं। नंबर 1, केला। वजन बढ़ाने के लिए सबसे असरदार और प्रभावी तरीका है कि अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा केले लें, क्योंकि केले के भीतर इतने प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। आप केले को कई कई तरह से ले सकते हैं, जैसे यदि आप केले को दही या फिर दूध में लेंगे तो आपको इसके आश्चर्यजनक फायदे देखने को मिलेंगे। यदि आप केले को दूध के साथ इसका मिल्कशेक बनाकर रोजाना सुबह और शाम को लेते हैं तो आपका वजन कुछ ही दिनों में 10 से 12 किलो तक बढ़ जाएगा, और इसको खाने से आपकी पाचन शक्ति भी दुरुस्त होती है। नंबर 2, शहद। यदि आप हर दिन शहद लेते हैं तो आपको इसके रिजल्ट्स कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि शहद कई तरह से हमारे शरीर को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने का काम करती है, जिससे हमें कई रोगों से छुटकारा मिल जाता है। यदि सुबह खाना खाने से पहले एक गिलास में एक चम्मच शहद को घोलकर इसको लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका वजन कितनी जल्दी बढ़ रहा है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रेजिस्टेंस पावर कितनी बढ़ रही है, और आपके शरीर में रुकी हुई ग्रोथ भी बढ़ने लगती है, जिससे आपका वजन भी बढ़ता है और आपकी लंबाई भी बढ़ जाती है और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। नंबर 3, खरबूजा। आप ये जानते ही होंगे कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास अपने वजन कम होने और कमजोरी के लिए जाते हैं तो वो आपको फल और फलों में तरबूजा खाने की सलाह जरूर देते हैं,
क्योंकि ये एक ही ऐसा फल है जो आपके वजन को बहुत तेजी से बढ़ाता है और आपके शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेटेड होने से आपके शरीर को बचाता है और जिससे आपका वजन और स्वास्थ्य दोनों ही ठीक रहता है। आप अच्छी तरह से अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे और दूसरे लोगों के सामने खुद को शर्मिंदा होने से भी बचा सकेंगे। नंबर 4, ड्राई फ्रूट्स। आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर होते हैं या पहलवान होते हैं वे ड्राई फ्रूट्स और दूध लेते हैं, स्पेशली यदि अंजीर, बादाम, खजूर को कूट कूट कर दूध में डालकर एक साथ गर्म करते हैं और उस दूध को लेते हैं तो ये आपका वजन बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से बढ़ाता है। इसके अलावा यदि आप रोजाना अपने खाने में 30 ग्राम सूखी किशमिश और बादाम लेते हैं तो भी आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और इसके नियमित इस्तेमाल से आप 10 से 15 दिनों में ही अपने वजन को बढ़ा सकते हैं। नंबर 5, अंकुरित बीज। खासकर जो लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं वो भी अपने वजन को जल्दी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने वजन को बढ़ाने के लिए अंकुरित बीजों का इस्तेमाल करना होगा। माना जाता है कि एक कटोरी चने के बीज और सोयाबीन के बीज में इतनी कैलोरीज होती है जितनी एक प्लेट चिकन में होती है। इससे आपका वजन बढ़ता है, इसलिए अंकुरित बीज आपके वजन को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। नंबर 6, कैलोरी वाले पदार्थ। जितना हो सके अपने भोजन में अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट व कैलोरीज वाले पदार्थों को लें, क्योंकि कैलोरी और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स वाले भोजन हमारे शरीर को शक्ति देते हैं और हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाए रखते हैं, जिससे शरीर खाने वाले भोजन को अच्छी तरह पचा सके। यदि आप आटा, चावल, शहद, मेवे, मक्खन, दूध आदि का सेवन करते हैं तो आपका वजन आसानी से बढ़ेगा और इसके आपको कोई साइड इफेक्ट्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और शरीर में शुगर जैसी समस्याएं नहीं होंगी। नंबर 7, आयुर्वेदिक औषधि। आयुर्वेद में कई तरह की जड़ी बूटियां और औषधियां मौजूद हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाती हैं। ऐसा ही आयुर्वेद में अश्वगंधा और शतावरी के बारे में बताया गया है। यदि हम 3-3 ग्राम अश्वगंधा और शतावरी को रोज सुबह चूर्ण बनाकर दूध के साथ लेते हैं तो वजन बढ़ता है और वसंत कुसुमाकर इसमें मिलाकर पीते हैं तो इसके काफी बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं, जो कि काफी असरदार दवा है वजन बढ़ाने के लिए और आयुर्वेद में वजन बढ़ाने के बेहतर उपाय हैं। यहां मौजूद औषधियों का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 8, आलू और किरात। आलू में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स शुगर बहुत अच्छी मात्रा में होती है, जो कि शरीर में फैट की मात्रा को बढ़ाती है। इसे भूनकर या सेककर खाने से वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। यदि आपको आलू खाना पसंद नहीं है तो आप किरात का उपयोग कर सकते हैं, यह भी वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। खाने में थोड़ी सी भले कड़वी लगती हो, लेकिन इसको लेने से आपकी भूख बढ़ती है और पेट में होने वाली समस्याएं जैसे कब्ज, अपच आदि अन्य विकार समाप्त हो जाते हैं। किरात का उपयोग छोटी आंतों के एंजाइम में सीक्रेशन और गैस्ट्रिक सीक्रेशन और पित्त की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि स्वस्थ पेट ही आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है। और भी वजन बढ़ाने के उपाय हैं जिनकी मदद से आप अपने वजन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे खाना खाने के बाद और पहले पानी का सेवन करना है। दिन भर में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी जरूर पिएं, क्योंकि पानी आपके शरीर से दूषित मल को मूत्र के द्वारा निकाल देता है और पानी पीने से आपके शरीर में फुर्ती बनी रहती है और अपने खान पान में नियमितता बनाए रखें। यदि आप सुबह के समय नाश्ता करते हैं और हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते हैं या फिर भोजन को चबा चबा कर खाते हैं और फलों का सेवन करते हैं तो वजन निश्चित ही बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यह तो थे कुछ घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खे या खाने की चीजें। इसके अलावा ये देख लेते हैं कुछ व्यायाम यानी कि एक्सरसाइजेस और साथ ही कुछ ध्यान रखने योग्य बातें यानी कि कुछ सावधानियां। सुबह और शाम को दूध जरूर लें। वजन बढ़ाने के उपाय में सबसे बेहतर उपाय है कि आप योग अवश्य करें। यदि आप किसी भी प्रकार के जिम
या व्यायामशाला में नहीं जाना चाहते हैं तो वजन बढ़ाने के उपाय में व्यायाम एक बेहतर उपाय है। आप सूर्य नमस्कार और योगासन कर सकते हैं और घर पर बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट जैसी कई व्यायाम की क्रिया कर सकते हैं। यदि आप सही तरीके से अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में आराम दें और जितना हो उतना काम करें, लेकिन रात में देर तक जागना भी कई बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए आप पर्याप्त मात्रा में नींद लें और रात में जल्दी सोना भी अपने वजन को बढ़ाने में काफी मदद करता है। तो दोस्तों, आइए और आस्तिक परिवार के साथ जुड़कर समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर उनकी मदद करें। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश से किसी का जीवन बदल जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जिससे आप जान पाएंगे कि घरेलू उपचार और प्राचीन भारतीय पद्धति के माध्यम से हम कैसे स्वस्थ और सुखमय जीवन जी सकते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए आपको अपने भोजन में क्या चीज खानी चाहिए और क्या चीज नहीं खानी चाहिए, इस पर आस्तिक हेल्थ केयर ने एक बहुत ही बहुमूल्य वीडियो बनाया है। हमारे चैनल पे जाकर इसको देख सकते हैं। हमारे अन्य रोचक वीडियोस को देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे वीडियोस को अभी क्लिक करें। धन्यवाद।